सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी बलेनो मारुति सुजुकी की एक बेस्ट गाड़ी है, मारुति सुजुकी की सबसे प्रीमियम गाड़ी भी है। हालांकि ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में सबसे बेहतरीन बिकने वाली, सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसी गाड़ी को और सबसे ज्यादा वेटिंग भी यही गाड़ी लेता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मारुति सुजुकी की बलेनो की सबसे बेहतरीन वेरिएंट कौन सी है और कौन से वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए इस वीडियो में टोटल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन टर्बो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी बलेनो यानी कि नेक्सा बलेनो के प्राइस रेंज के बारे में देखा जाए, ये पेट्रोल में 6.29 लाख से शुरू होकर 9.69 लाख तक जाती है ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से, और डीजल में 7.57 लाख से शुरू होकर 9.8 लाख तक जाती है ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। इस गाड़ी में आपको 5 वेरियंट्स मिल जाते हैं। हालांकि देखा जाए पेट्रोल और डीजल में सिर्फ और सिर्फ 4 वेरियंट मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल में और एक एक्स्ट्रा वेरियंट भी मिलता है। पेट्रोल और डीजल में सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा वेरिएंट जो कि कॉमन वेरिएंट है, और पेट्रोल में एक आरएस वेरिएंट 1 लीटर वाला मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन भी है। बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल में आपको 2 इंजन वेरिएंट मिलता है। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल जो कि 83 बीएचपी के साथ 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है, और ये आपको 21.4 केएमएल का माइलेज भी दे देता है। उसके बाद बलेनो आर है जो कि 1 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि बूस्टर जेट इंजन है, ये आपको 101 बीएचपी के साथ 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है, ये आपको 21.1 केएमएल का माइलेज भी दे देता है। और उसके बाद डीजल इंजन जो कि 1.3 लीटर मारुति सुजुकी का कॉमन डीजल इंजन, ये आपको 74 बीएचपी के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है जो कि आपको 27.39 केएमएल का माइलेज भी दे देता है। पहले बात करते हैं गाड़ी की सिग्मा वेरिएंट के बारे में। सिग्मा वेरिएंट की प्राइस रेंज पेट्रोल में 6.29 लाख है और डीजल में 7.57 लाख ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। इसमें आपको जो जो फीचर्स मिलता है वो सारे वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड यानी कि सारे वेरिएंट में मिल ही जाता है। इसमें सेफ्टी में 2 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट सेफ्टी माउंट, फ्रंट सीट बेल्ट, पिस्टन सनर्स एंड फोर्स लिमिटर्स, आपको स्टील व्हील्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको व्हील कवर भी नहीं मिलता है, मैनुअल एसी गाड़ी में मिलता है विथ हीटर, आपको टिल्ट स्टेयरिंग एडजस्ट मिल जाता है, और उसके साथ साथ फ्रंट में पावर विंडोज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। ये बिल्कुल बेसिक वेरियंट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर से बेसिक मिलता है। अगर बात करें बलेनो एक प्रीमियम गाड़ी है और प्रीमियम गाड़ी के हिसाब से इस वेरिएंट को देखा जाए तो इस वेरिएंट में कुछ भी फीचर्स आपको नहीं मिलता है, तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा अगर आप बलेनो लेना चाहते हैं इस वेरिएंट को प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं डेल्टा वेरिएंट। ये काफ़ी बेहतरीन वेरिएंट है जो कि 60 to 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन रोड डेली के प्राइस रेंट से आ जाती है सिग्मा वेरिएंट से, जो कि इसकी पेट्रोल प्राइस रेंज शुरू होता है 7.05 लाख और डीजल प्राइस रेंज जब हम आ जाते हैं 8.33 लाख में। इसमें सारे काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स ऐड हो जाते हैं, प्रीमियम फीचर्स तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी यूजफुल फीचर्स है। जैसे कि अगर बात करें गाड़ी की डिज़ाइनिंग में थोड़े चेंजेस हो जाती है। डिज़ाइनिंग यानी कि फ्रंट में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है गाड़ी को, और गाड़ी की इंडिकेटर मिल जाता है आपको ORVM में, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। व्हील में आपको कैप मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंटी पिंच ड्राइवर साइड विंडो भी आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है। आपको रेयर वाइपर और डिफॉगर भी मिल जाता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है। आपको रेयर सीट आपको 60-40 स्प्लिट वाला सीट मिल जाता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम यानी ऑडियो सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको ऑक्स, यूएसबी, ब्लूटूथ, रेडियो और सीडी भी मिल जाता है, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है। उसके साथ साथ स्टेयरिंग माउंटेन ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाता है, रेयर पावर विंडोज मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यानी कि ORVM से आपको इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो एसी भी मिल जाता है यानी कि ऑटोमेटिक एसी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो कि पेट्रोल में 7.05 लाख से शुरू होता है और डीजल
टोटल में 8.33 लाख में। अगर बात करें पूरे बलेनो की, मुझे जो पसंद है ये डेल्टा वेरिएंट जो कि वैल्यू फॉर मनी है, जो कि जिसमें आपको काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में भी आपको CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक का, जिसकी प्राइस रेंज सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। इसकी प्राइस रेंज 8.21 लाख में आ जाती है अनरो डेली के हिसाब से। उसके बाद प्रीमियम ने शुरू होता है बलेनो की, जी हाँ, बलेनो जेटा से। जी हाँ, जेटा जो कि आपको पेट्रोल में 7.72 लाख आ जाती है और डीजल में 9.01 लाख आ जाती है अनरो डेली के हिसाब से। ये भी 60-70,000 रुपीज़ ज़्यादा है डेल्टा से। अगर बात करें यहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर्स यानी कि एलोई व्हील्स मिल जाते हैं, क्रोम फिनिशिंग डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाते हैं, विथ आपको टेलीस्कोपिक एडजस्ट किया वो स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है, फॉलो मी होम हेडलैम्प मिल जाता है, स्मार्ट की मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है जो कि कीलेस एंट्री वाला है। ये जो चीज़ें आपको मिलता है ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है, काफ़ी प्रीमियमनेस देता है गाड़ी को, जो कि जेटा वेरियंट में ये काफ़ी बेहतरीन रहता है। और ये भी डेल्टा से 60-70,000 रुपीज़ ज़्यादा है, जो कि आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें भी आपको CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसकी प्राइस रेंज 8.8 लाख आ जाती है अनरो डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से, और ये सिर्फ पेट्रोल में ही आता है। उसके बाद आती है बलेनो के टॉप एंड वेरिएंट यानी कि अल्फा वेरिएंट। जी हाँ, अल्फा वेरिएंट जो कि पेट्रोल में 8.51 लाख और डीजल में आपको 9.8 लाख आ जाती है। इसमें प्रीमियम फीचर्स आ जाती है जो कि प्रोजेक्टर हेल लैम्प, LED DRL, आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक जैसे फीचर मिल जाता है। ये तो काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन ये जो 3-4 फीचर जो काफ़ी ज़्यादा मिलता है और वो भी 70-80,000 रुपीज़ ज़्यादा देकर, लेकिन ये अगर बात करें ये सारे फीचर्स आपको डेली लाइफ में काम में नहीं आता है। लेकिन अगर बात करें आप थोड़ा प्रीमियमनेस चाहते हैं गाड़ी में, तो आप बिल्कुल ये वेरियंट को कंसिडर कर सकते। अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियमनेस गाड़ी तो जीटा को लीजिएगा, जीटा काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होगा प्रीमियमनेस के हिसाब से। अगर बात करें अल्फा में आपको CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको पेट्रोल में 9.67 लाख में आ जाती है अनरोड के हिसाब से। अगर बात करें ये तो था चार वेरिएंट, लेकिन बलेनो पेट्रोल में RS मॉडल यानी कि RS 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन आ जाती है, जिसकी प्राइस रेंज 9.69 लाख आ जाती है। ये देखा जाए बलेनो अल्फा मैनुअल से यानी कि टॉप एंड वेरिएंट अल्फा मैनुअल से लगभग 1 लाख रुपये तक ज़्यादा बन जाती है अनरोड के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अल्फा के हिसाब से अल्फा में जो जो फीचर्स है वही फीचर्स यहाँ पे भी मिलता है, कुछ ज़्यादा आपको फीचर नहीं मिलता है। लेकिन ये जो 1 लीटर इंजन है ये थोड़ा सा पंचीनेस आपको देता है, थोड़ा थ्रिलर ड्राइविंग आप कर सकते हैं इस 1 लीटर इंजन के साथ, जो कि आपको 101 BHP के साथ 150 Nm का टॉर्क दे देती है। हालांकि अगर बात किया जाए 1 लाख ज़्यादा बलेनो टॉप एंड वेरिएंट अल्फा से, तो ये कोई हजम नहीं होती है बात। अगर आप चाहते हैं एक बूस्टर जेट इंजन और वो भी थोड़ा पंचीनेस ड्राइविंग के साथ, तो आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो मैं कहूंगा सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा डेल्टा वेरिएंट और प्रीमियमनेस वेरिएंट होगा जीटा वेरिएंट। आप चाहे तो अल्फा को भी ले सकते हैं। ये था मेरा राय, आपको क्या लगता है बलेनो के बारे में, आपको कौन से वेरिएंट सबसे बेहतरीन लगता है, कौन से फीचर्स के साथ, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।